दोस्तों, किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने ग्रिड में देखना है कि हमारे जो पोर्ट्रेट है उसकी जो आंखें हैं कितने बॉक्स पर आ रही है। तो दोस्तों, मैं दोनों तरफ से काउंटिंग करूंगा, इधर से भी और इधर से भी, और देखेंगे कि हमारे जो ये पोर्ट्रेट की आंखें हैं कहाँ पर आ रही हैं, कितने बॉक्स पर आ रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इधर से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों, ये 8 बॉक्स पर आ रही है। और दोस्तों, अगर हम साइड से गिने तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5, 5 पर आ रही है। दोस्तों, इधर से 8 बॉक्स पर आ रही है और इधर से 5 बॉक्स पर। अब दोस्तों, हम काउंटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। दोस्तों, 5 बॉक्स पर हमारी आंखें इधर की साइड से आ रही थी, तो हम अब इधर से नीचे की तरफ को काउंटिंग करेंगे 8 बॉक्स तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों, जो आंखें हैं हमारी इस बॉक्स से स्टार्ट होंगी, एक आंखें हमारी इस बॉक्स में आएंगी, दूसरी हमारी इस वाले बॉक्स में आएंगी। तो दोस्तों, हम इधर से आंखें बनानी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों ये वाली आंखें बनाऊंगा। दोस्तों, आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, आपको कुछ भी ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले पेंसिल पकड़नी आनी चाहिए। आपको पेंसिल कुछ इस तरह से पकड़नी है पीछे से, देन इसके बाद अपने रेफरेंस को देखना है और जिस तरह से इसमें ड्राइंग है सेम आपको उसी तरह से इस तरह से धीरे धीरे ड्रॉ करते जाना है। आपको इस तरह से अपने हैंड को मूव करना है जिस तरह से मैं धीरे धीरे और लाइट लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। अब इसी तरह से मैं इनकी जो ये आईब्रो है इनको ड्रॉ करूंगा, जैसे कि इनका फ्लो इधर की तरफ को है तो मैंने इधर की तरफ को ड्रॉ करूंगा इस तरह से, इधर की तरफ से ऐसे। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम आपको इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है, देन इसके बाद आप भी अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाओगे। अब इसी तरह से हम इनकी ये वाली आंख भी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमने इनकी आंखें तो ड्रॉ कर ली हैं। अब जैसे कि इनकी ये वाला माथे वाला एरिया है, इसको ड्रॉ करना है हमें। तो जैसे कि ये वाली लाइन इधर की साइड को जा रही है, तो हम इधर की तरफ को इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और जैसे जैसे मतलब एक एक लाइन को आपको देखना है, जहां जहां पर भी लाइनिंग पर ये जो रेफरेंस की ड्राइंग जा रही होगी, दिख रही होगी, आपको इस तरह से ड्रॉ करते जाना है जैसे मैं कर रहा हूं, देखिए। और आपको लाइट लाइट ड्रॉ करना है। बिगनर्स बहुत ही ज्यादा डार्क ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप कोई गलती करोगे भी तो आप उसको रफ करके उसे सही भी कर सकते हो। देखिए, इस तरह से ड्रॉ करना है। अब हम इसी तरह से इनकी नोज बनाएंगे। देखिए, जैसे जैसे ड्राइंग दिख रही है ना आपके रेफरेंस में, आपको उसी तरह से ड्रॉ करते जाना है। जैसे कि मेरी ये वाली ड्राइंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैं इधर से इस तरह से ड्रॉ करूंगा लाइट लाइट इस तरह से। देखिए, हमने इतना तक ड्रॉ कर लिया है। अब जो इनके बाहर का आउटर स्ट्रक्चर है, हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसको भी आपको सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है। आपको अपनी ग्रिड को देखते जाना है और सेम इसी तरह से ड्रॉ करना है। अब हम इनके हेयर्स बनाने के लिए मैं आपको एक टेक्निक्स बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे कि हमारे इस रेफरेंस में हेयर्स इधर की तरफ को हैं, तो हम इन हेयर्स को इधर की तरफ को ड्रॉ करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। अगर इधर की तरफ को है तो हम इधर की तरफ को ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इनके जो ये वाले हेयर्स हैं इधर की डायरेक्शन में है और इधर वाले इधर की डायरेक्शन में है, तो हम इन्हें इस तरह से ड्रॉ करेंगे इस तरह से, या फिर आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। और जो ये वाले हेयर्स हैं इन्हें हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे।
अब इसी तरह से हम इनके ये वाले हेयर्स ड्रॉ करेंगे। हेयर्स का फ्लो इधर की डायरेक्शन में है तो हम इन्हें इधर की तरफ को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने पोर्ट्रेट ड्रॉ करना सीखा होगा, काफी ज्यादा इजी टेक्निक्स थी। एंड दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें किस तरह से इजीली शेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।